बच्ची का कलेजा खाने वाले चार दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। बेटा होने के लिए तांत्रिक ने दी थी ऐसी सलाह जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। रेप करने के बाद हत्या की और फिर रोटी में रखकर खाया था कलेजा। घटना 14 नवंबर 2020 की रात की है, जो कभी भुलाने से भी नहीं भुलाई जा सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं, आखिर बच्ची का कलेजा चाचा चाची ने क्यों खाया था। 14 नवंबर 2020 को तांत्रिक के कहने पर चाचा चाची ने भतीजे से 7 साल की बच्ची की हत्या करवाई थी। भतीजे ने दोस्त के साथ मिलकर के पहले दुष्कर्म किया था, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। भतीजे ने कलेजा निकालकर चाचा चाची को दे दिया था। चाचा चाची ने कलेजा का कुछ हिस्सा खाया और बाकी कुत्ते को खिला दिया था। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए दंपत्ति ने भतीजे को 500 रुपए और उसके दोस्त को 1000 रुपए दिए थे। पूरी घटना घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बच्ची के पिता ने बताया था यह घटना कभी नहीं भूल पाएंगे। दीपावली की रात थी, मेरी 7 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। उसने चाचा से 10 रुपए मांगे थे। रुपए मिलने के बाद बेटी बिस्किट लेने पड़ोस की दुकान पर गई थी। इसके बाद वह लौटकर नहीं आई। हम लोगों ने रात में ही उसकी तलाश की, गांव की मस्जिद और मंदिरों से अनाउंस कराया, मगर उसका पता नहीं चल सका। फिर पुलिस को सूचना दी थी। दो महिलाओं ने काली मंदिर के पास बच्ची का छत बिछत सब देखा। इसके बाद घर वालों को सूचना दी गई। मौके पर परिजन पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। शरीर पर कपड़े नहीं थे, पास में ही लहू से सनी उसकी चप्पलें पड़ी थी। बेटी का शव उठाकर देखा तो कलेजा ही गायब था। थोड़ी देर बाद सूचना पर पुलिस पहुंच गई। डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया। डॉग यामिनी सूंघते हुए गांव के अंदर दाखिल हुई और पड़ोसी के घर में जाकर दरवाजे पर पैर मारने लगी, जिस पर पुलिस ने गेट खुलवाने को कहा तो घर पर ताला बंद था। पता चला कि दंपत्ति दीपावली की रात से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा तो पूछताछ में घटना का खुलासा हुआ। मां ने बताया कि उस दिन बेटी ने कहा था कि इस बार में दिए जलाऊंगी, मगर वो बिना दिए जलाए ही दुनिया से चली गई। इसके बाद अब कभी दीपावली मनाने का मन ही नहीं करता और वह सबसे बुरा दिन होता है। इस घटना को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की आंखों में भी आंसू आ गए थे और उन्होंने गुस्से में अपने अफसरों से कहा था हर हाल में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस कांड की अदालती सुनवाई के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडे अपने आंसू न रोक सके थे। उन्होंने रोते हुए अदालत से इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध बताते हुए चारों हत्यारोपियों को मौत की सजा देने की मांग की थी। आज यानी शनिवार को कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।